एक बार एक राजकुमार गौतम बुद्ध की परीक्षा लेना चाहता था। वह गौतम बुद्ध की असली सच्चाई जानना चाहता था। वह जानता था कि गौतम बुद्ध उसके प्रश्नों का उत्तर जब हाँ में दें तो वह उस उत्तर का हाँ का कारण पूछेगा, और जब गौतम बुद्ध उस प्रश्न का उत्तर ना में दें तो गौतम बुद्ध की असली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वैसे तो गौतम बुद्ध क्रोध के ऊपर कैसे काबू पाएं सबको बताते हैं, और खुद ही क्रोध को पाल रहे हैं। और गौतम बुद्ध एक बुद्ध नहीं है, उसका प्रमाण भी मिल जाएगा। वह गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनको प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि गौतम बुद्ध आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और गौतम बुद्ध भी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अवश्य। वह पूछता है कि गौतम बुद्ध आपने कभी किसी को अपशब्द कहे हैं? इस पर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं इसका जवाब ना ही हाँ में है ना ही ना में। एक बार गौतम बुद्ध ने देवदत्त को अपशब्द कहे और उस राजकुमार ने उनकी ये बातें सुन ली थी। गौतम बुद्ध उस राजकुमार को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बालक किसका है। वो राजकुमार कहता है कि गौतम बुद्ध ये बालक मेरा है। गौतम बुद्ध कहते हैं जब इस बालक के मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा फंस जाए तो तुम क्या करो। राजकुमार कहता है कि गौतम बुद्ध उस लकड़ी के टुकड़े से मेरे पुत्र की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए मैं वो टुकड़ा बाहर निकालूंगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वो लकड़ी का टुकड़ा तब भी उसके मुंह से बाहर ना निकले तो तुम क्या करोगे। राजकुमार कहता है कि गौतम बुद्ध मैं उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालने के लिए अपने पुत्र का सिर पकड़ूंगा और दूसरे हाथ से उसके मुंह में हाथ डालकर लकड़ी बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। गौतम बुद्ध कहते हैं ये सब करने से उसके मुंह से खून निकलने लगे तो तुम क्या करोगे। वह राजकुमार कहता है मैं तब भी लकड़ी बाहर निकालूंगा। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं तुम जब भी किसी से प्रेम करते हो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए तुम्हें उसको थोड़ी सी हानि भी पहुंचानी पड़ती है। ये सुनते ही राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए और वह गौतम बुद्ध के पैरों में गिर के रोने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने के लिए मिलता है जब भी कोई हमारा अपने माँ बाप कोई अपना हमें डांटता है या मारता है वो हमारे भले के लिए ही करता है, इसलिए आप गुस्सा ना होइए और उस बात की गहराई को समझिए। अब आपके माँ बाप या कोई आपके अपने जब भी आपको डांटें तो आप इस कहानी को याद कर लेना, क्योंकि वे आपके भले के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं।